कदमा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव के मौके पर 18 दिनों का मेला लगेगा। सीएम रघुवर दास 17 सितंबर को मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। विलास का ये 97वां गणेश महोत्सव है जो 17 तारीख से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कुल 18 दिनों का पूजा और मेला रहेगा। 16 तारीख को पंडाल का उद्घाटन होने जा रहा है और हर वर्ष की तरह जो पिछले 15 सालों से हमारे अभी के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी करते रहे, इस बार भी हम लोगों ने आमंत्रण किया है, वो अवश्य आएंगे। उनके साथ से आर रवि प्रसाद जी रहेंगे जो टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। 16 तारीख को 2 कार्यक्रम एक साथ हो रहा है, पंडाल उद्घाटन और मेला उद्घाटन। रविवार को एक सेमिनार में इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन का गठन किया गया। इस मौके पर मंत्री सरयू राय मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। शहर में बढ़ रहे दंत रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या को देखते हुए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पान गुटखा सेवन पर रोक लगाने पर चर्चा हुई। मंत्री सरयू राय ने भी अपने संबोधन में दंत चिकित्सकों के प्रयासों की सराहना की। The purpose behind the formation of this branch is to bring all the dental surgeons under organization. It has established itself as a national body of dental surgeons, representing the profession in all quarters. Not up to the mark. There is urgent need to strengthen the organization by enrolling all qualified dentists to make it strong so that the lack of dental awareness among people. We need to organize more number of camps and oral health. At last, I would just like to say that we all need to work together and put our best. हमें सरकारी सुविधाएं। कॉम्बैट कैंसर की ओर से रविवार को कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। NIS मीडिया ग्रुप की ओर से आयोजित सेमिनार में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने पर बल दिया गया। सेमिनार में बताया गया कि लापरवाही के कारण कैंसर का पता अंतिम स्टेज पर चलता है जो लाइलाज होता है। सेमिनार में MTMH और TMH के कई विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद थे। कैंसर का तीसरा सेमिनार है, आज सेमिनार हम लोग 3 साल से ये सेमिनार कर रहे हैं, इसलिए सेमिनार कर रहे हैं कि जागरूकता का काफी जरूरत है। सेमिनार का मेन उद्देश्य शहर में तो कम है मगर गांव में काफी जरूरत है। गांव वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी छोटा मोटा दवाई से लगा के वो लोग उसको जानकारी करते ही नहीं और डॉक्टर के पास जाने का सोचते ही नहीं। लास्ट स्टेज जब आते हैं तो देखा जाता है कि वो कैंसर में बदल गया। हम लोग का ये चाहना है कि कैंसर के लिए जागरूकता करें, गांव वाले को शहर वाले को सभी को ये जानना चाहिए कि कैंसर कैसे कैसे होते हैं, कैसे किस तरह का होते हैं और काहे के लिए होते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। बिजली पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर बस्ती विकास समिति के बैनर पर सैकड़ों बस्तीवासी जुस्को का घेराव करेंगे। रविवार को बस्ती विकास समिति के बैनर पर आयोजित बैठक में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जुस्को का घेराव करने का निर्णय लिया गया। उनका कहना है कि रामजन्म नगर, शास्त्री नगर, श्याम नगर सहित अन्य क्षेत्रों में लोग बिजली पानी चिकित्सीय सुविधा से महरूम हैं। बैठक किए हैं और बस्ती हम लोगों ने जैसे श्याम नगर, रामनगर, जाकिर भट्टा, बबलू भट्टा, रामजन्म नगर, शास्त्री नगर, जितने भी सलेम एरिया में हैं बस्ती आने, हम लोग आने मूलभूत सुविधा जो टाटा कंपनी भी आने हम लोग को मुहैया नहीं करा रही, जैसे कि पानी, बिजली, मेडिकल, चिकित्सा जितना भी हम लोग को जो समस्या है वो हम लोग पर आने ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो फिर टाटा कंपनी हम लोग के लिए जो आने सरकार से लीज में जमीन ली है 2 रुपये आने प्रति एकड़ आने सालाना का, तो हम लोग को मूलभूत समस्या तो देना चाहिए, मूलभूत सुविधा आने कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग आने पानी के लिए आने खास करके हम लोग आने जोर शोर से हम लोग आने पानी का बहुत समस्या है, जिसको का घेराव करेंगे और जनप्रतिनिधि से हम लोग पहले राय मशवरा करेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम लोग जिसको का आने पूरा बस्ती के लोग जितने भी सलेम एरिया के लोग हैं हम लोग जिसको का आने तालाबंदी।